नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल तेजो एम ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग रहने वाला है कुछ स्पेशल। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि क्या रहने वाला है, आज मुझसे मिलने आ रहे हैं कुछ बॉक्सर्स जो कुणाल सर के स्टूडेंट हैं और जिनका डिफेंस एकेडमी ट्रेनिंग खटीमा से बिलोंग करते हैं। और ये सारे बच्चे खटीमा के हैं, उनका एक स्टूडेंट गोल्ड मेडल भी जीता है स्टेट लेवल पे पिथौरागढ़ बॉक्सिंग प्रतियोगिता पे राज्य स्तरीय। और अब वो बेरीनाग आने वाले हैं तो मिलवाएंगे उन बॉक्सर से भी आपको, और कुणाल सर से भी बात होगी। चलो चलते हैं, मिलते हैं उनसे। हेलो हेलो, वेलकम 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 इन बेरीनाग। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तेजो एम ब्लॉग बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। थैंक यू थैंक यू। क्षेत्र में भी काफी आपका नाम है। और ये मैं अपने बॉक्सर्स के साथ अभी यहाँ पर हूँ। हेलो बॉक्सर्स। हेलो। और इनको जैसे पता चला आज तेजो एम ब्लॉग में उन्होंने हमें इन्वाइट करा, ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। लास्ट तो कुणाल जी बताइए कुछ अपने अकेडमी के बारे में, बच्चों के बारे में। थैंक यू वेरी मच तेजू एम ब्लॉक के ऑनर माही जी, जिन्होंने हमें इतने दूर से इनवाइट किया बेरीनाग में। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। और जैसे कि हम बताएं, हम खटीमा क्षेत्र में हेल्पलाइन पब्लिक स्कूल में एज ए पीटीआई हैं और वहीं पर एज ए डिफेंस एकेडमी रन करते हैं। हमारे बच्चे जो कि स्टेट में अभी स्टेट में मेडल लेके आए हैं और जिसमें से दो बच्चे गोल्ड मेडल हैं और एक सिल्वर है और तीन ब्रॉन्ज मेडल हैं। ये बच्चे नेशनल लेवल पर प्रतिभाग करेंगे और मैं चाहता हूँ कि आप सभी से इंट्रोड्यूस कराएं। ये है अंशुमन कठायत और ये है अनु जोशी, ये है राघव जोशी और विशाल चंद और ये पारस जी। ये जबरदस्त बॉक्सर हैं। दो बच्चे हमारे वापस चले गए हैं समय की कमी होने के कारण। तो आज हम चाहेंगे कि हिमालय की गोद में बसा ये छोटा सा क्षेत्र बेरीनाग, जो अपनी महान विभूतियों की वजह से जाना जाता है, वो वहां पर हम इनको घुमाने के लिए एज एक्सप्लोर करने के लिए लेके आए हैं। तो मैं लेट मी इंट्रोड्यूस ईच वन एवरी वन, स्टार्ट फ्रॉम माई एंगस स्टूडेंट यू नो अंशुमन कठायत। प्लीज से समथिंग अबाउट। हेलो हेलो एवरीवन, आई एम अंशुमन फ्रॉम हेल्पलाइन पब्लिक स्कूल एंड आई एम स्टडिंग इन क्लास 6 एंड मैं डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग करता हूँ, जहाँ पे हमारे कोच साहब हैं मिस्टर कुणाल सर और मिस्टर ललित सर, जो कि हमें बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कराते हैं। और मेरे को अभी ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो चुके हैं और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है। मैं स्टेट खेलने यहाँ पिथौरागढ़ आया हूँ, फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये मेरा। और ये पहाड़ों का भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, जिसमें मैंने स्टेट में 38 से 40 वेट कैटेगरी में मैंने खेला था। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत बढ़िया। जय दोस्तों, मैं हूँ अनुज जोशी, हेल्पलाइन पब्लिक स्कूल में मैं पढ़ता हूँ और मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ और मैं डिफेंस एकेडमी में मिस्टर कुणाल सर और मिस्टर ललित सर के साथ ट्रेनिंग करता हूँ, जो कि मुझे बॉक्सिंग की ट्रेनिंग कराते हैं। और मैं यहाँ, मेरे को लगभग 1 साल हो चुके हैं बॉक्सिंग करते हुए और मैं यहाँ स्टेट लेवल में प्रतिभाग करने के लिए आया था यहाँ पे। मेरा ब्रॉन्ज मेडल पड़ा है। मेरी वेट कैटेगरी है 34 to 36 kg। धन्यवाद। कांग्रेस। हेलो, माय नेम इज शाकुल जोशी एंड आई एम फ्रॉम उधमसिंह नगर खटीमा और मैं डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग करता हूँ। जो हमारे कोच साहब हैं वो है मिस्टर कुणाल सर और मेरे ललित सर। और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था स्टेट में और मेरा जिसमें मेरा ब्रॉन्ज पड़ा है और मैं 40 से 42 वेट कैटेगरी में खेलता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विशाल चंद और मैं खटीमा में रहता हूँ और मैं हेल्पलाइन पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग करता हूँ, जहाँ पे हमारे ट्रेनर मिस्टर कुमार सर हैं, मिस्टर ललित सर हैं, जो कि हमें बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देते हैं। तो यहाँ स्टेट में आके मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जिसमें मेरा सिल्वर मेडल पड़ा और मेरी वेट कैटेगरी है 32 से 34। धन्यवाद। वेल डन।
जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज पारस आर्या। मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं डिफेंस एकेडमी जाता हूँ बॉक्सिंग। मेरे कोच का नाम है मिस्टर कुणाल सर एंड मिस्टर ललित सर। और मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था यहाँ आने का, और ये पहाड़ मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अभी हम हिमालय घूमने जाएंगे। थैंक यू दोस्तों। तो कोच साहब, आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके बच्चे स्टेट लेवल पे खेल रहे हैं और आई होप कि ये नेशनल लेवल पे भी खेलेंगे, मुझे ऐसे आशा है। जी माही जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तेजू एम ब्लॉक जो भी अभी मोनिटाइज हुआ है जी, और आपको उसकी बहुत बहुत बधाई है। और जो कि आपने हमें यहाँ पर इन्वाइट किया और हमारे बच्चों को यहाँ उनका मनोबल बढ़ाया और उनको एक पार्टी दी, उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। आई होप कि हम जल्द दोबारा नेशनल मेडल के साथ आपके पास फिर से आएंगे। और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं, आपको धन्यवाद चाहते हैं, सभी दर्शकों को ये बोलना चाहते हैं, सभी जो व्यूअर्स हैं उनको कहना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। ओके, मैं बताना चाहूंगा कि मेरे पहले बॉक्सर हैं 34-36 केजी के भार वर्ग में। वो आपको थोड़ा शैडो दिखाएंगे, एक नमूना दिखाएंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन बॉक्सर हैं। एक बार वो अपने प्रदर्शन दिखाएंगे शैडो से, आप लोग मालूम हो जाएगा कि कितने बेहतरीन बॉक्सर हैं। प्लीज मेडलिस्ट हैं जो कि अभी इंडिया कैंप के लिए चयनित हुए हैं, और मैं चाहूंगा कि इनका भी छोटा सा परफॉर्मेंस देखें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इक्विपमेंट नहीं है। तो आपको शैडो के माध्यम से दिखाएंगे ये कितने अच्छे बॉक्सर, और इनका जो मनोबल है कितना ऊंचा है। विशाल चंद्र, राघव जोशी जो कि स्टेट ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, हम आपको दिखाएंगे इनका भी प्रदर्शन एक बार अपने शैडो के माध्यम से। राघव जोशी, हमारे बड़े ही हास्य कलाकार भी हैं और अच्छे बॉक्सर भी हैं। ये इनको हम अंशुमन कठारे के नाम से जानते हैं, और हमने इनका निकनेम रखा है ठुमका। और अभी ठुमके के साथ अभी बॉक्सिंग का स्ट्राइक दिखाएंगे। वेरी गुड। और दोस्तों, एट लास्ट हमारे हास्य कलाकार और छोटे से जो कलाकार हैं पारस, जिनका अपना एक अपना स्वैग है, ये अपना इनको हम जानते हैं बकरे के नाम से, बकरे के नाम से। अभी अपना मुंह से भी बताएंगे कैसे ये बकरे की आवाज निकालते हैं, और अब अपना इंट्रोड्यूस किए हैं। दोस्तों, माय नेम इज बकरा। अपना दिखाइए। थैंक यू, वेल डन, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपके लिए चिकन की दोस्ता हो चुकी है। ठीक है, यहाँ माही एम ब्लॉक की तरफ से और चिकन की व्यवस्था हो चुकी है। आज का डिनर माही जी के नाम है, तेजू एम ब्लॉक, जो कि अभी खटीमा में फेमस नहीं है, और जल्दी से हम चाहेंगे कि खटीमा भी ये ब्लॉक तेजू एम ब्लॉक फेमस हो जाए। इनका जो यूट्यूब चैनल है, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा ये कंटेंट दे रहे हैं। बेरीना क्षेत्र के, हमारे देवभूमि उत्तराखंड से जबरदस्त
हमें कंटेन दे रहे हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं यहाँ से। तेजू एम ब्लॉक का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, थैंक यू, शुक्रिया करते हैं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच भाई जी, थैंक यू सो मच। चलो आप लंच कीजिए, आप लोग भी बता दें क्या नाम है। अनुज जोशी नहीं, दूसरा वाला क्या नाम है? झुमका, ठुमका, ढिल्लो, घोड़ा, ये है बकरा। सबसे मैं सबसे ज्यादा बकबक करने वाला बकरा। कोच साहब, ये तुम्हारी जो पार्टी है, ढिल्लो बकरा एंड टीम, ऑल टीम झुमका एंड ठुमका, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? ये कितने लंबी रेस के घोड़े हैं? ये एक्चुअली माई जी, ये बहुत लंबी रेस के घोड़े हैं, क्योंकि इन्होंने एक साल की कड़ी मेहनत की है। कुछ बच्चे न्यू इनरोल्ड हैं, इनरोलमेंट नया हुआ है, कुछ बच्चों में जैसे बकरे का न्यू इनरोल हुआ है, ये सिक्स मंथ से चल रहा है, और जो पीछे ठुमका बैठा है, करीब पाँच ही बच्चे हैं मेरे घर, रिमेनिंग स्टूडेंट इन द कटिमा रीजन। सो ये जो मेरे खास हैं बॉक्सर, इन्होंने खटीवा का नाम बहुत रोशन किया है। अच्छा। और एज वेल एज ये डिस्ट्रिक्ट चैंपियन है, और साथ ही में अभी ये स्टेट में भी चैंपियनशिप उन्होंने ली है। और बहुत अच्छी बात है कि ग्रास से जुड़े हुए इंसान हम लोग हैं, और प्रैक्टिस करते हैं, कोई ऐसे इक्विपमेंट की हमारे पास है नहीं, इतना जो भी इक्विपमेंट मिलना चाहिए कोई सपोर्ट नहीं करता है, फिर भी हमने उनको इस लेवल से इस लेवल पर पहुंचा दिया, यानी कि फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया जी। और कई पेरेंट्स से हमें सपोर्ट करते हैं जी। तो मैं चाहूँगा कि ये बच्चे नेशनल लेवल पर भी अपना प्रसन्न लहराएं जी, देश का, राज्य का और खटीमा का नाम रोशन करें जी। जी बिल्कुल। इसके साथ मैं कहूँगा इनकी डाइट प्लान भी बहुत जबरदस्त बना रखी है हमने जी, अभी कंटिन्यू चल रही है जी, जैसे कि अभी देख रहे हैं जी, चिकन पार्टी अभी चल रही है, कंटिन्यू इनको प्रोटीन दिया जा रहा है बिल्कुल। साथ ही साथ इनका क्या है कि जो ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड है हमने काफ़ी अपग्रेड किया है एज कम्पेयर टू अदर्स, और हमें हर जगह से सहायता मिल रही है और हर जगह सम्मान हो रहा है, तो उसके लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा। और स्पेशली मैं माई एम ब्लॉक, जिन्होंने मुझे 200 किलोमीटर दूर बुलाया जी, उनका मैं दिल से शुक्रिया करूँगा। तो काफ़ी सपोर्ट रहा माई एम ब्लॉक का, मैं सभी व्यूअर्स को बोलूँगा कि माई एम ब्लॉक को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे ही बीच से उठे हुए एक इंसान है, और आप ही और हमारे सपोर्ट से ये सब कुछ पॉसिबल है। तो मैं चाहूँगा कि माई एम ब्लॉक जो भी बेरीना क्षेत्र में रहते हैं और मेडिकल स्टूडेंट भी हैं, और इवन मैं ये बताऊँ कि जो माही एम ब्लॉक की ऑनर हैं माही खाती जी, ये बहुत हेल्पफुल नेचर के इंसान हैं, और जहाँ पर इनकी हेल्प की ज़रूरत होती है ये अपना प्रेजेंस दिखाते हैं वहाँ पर। और आज भी बच्चों को देख रहे हैं आप, यहाँ देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से बच्चों को पार्टी दी है, ये देख कर बहुत अच्छा लगता है, बच्चों का भी हौसला बढ़ता है, और ऐसे ही आप अपना योगदान देते रहे सर, हमें अच्छा लगेगा, दोबारा भी हम जरूर आपके इन्विटेशन में जरूर आएंगे इधर। और बच्चे ऐसे बच्चों की आप अपनी तरफ से बच्चों को शुभकामनाएं दें बिल्कुल, की ब्लेसिंग, योर ब्लेसिंग इज हमारी ब्लेसिंग है साथ में एवरीवन जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो हो रही है चिकन पार्टी, कैसा लग रहा है खाना? अच्छा। हाँ भाई कैसा लग रहा है बेरीना का क्षेत्र आप लोगों को? बढ़िया। अच्छा। आज हाँ सर, जंगल में मंगल गया? ये मेरे बहुत ज्यादा डिसिप्लिन बच्चे हैं मेरे जी, और इनको मैंने पूरे फौजी तरीके से ढाल रखा है। कहते हैं कि डिसिप्लिन सबसे मस्त होता है, किसी को ऊपर ले जाने में, किसी को नीचे गिराने में। तो अगर जिस बच्चे के पास डिसिप्लिन है वो अपने भविष्य में बहुत कुछ कर सकता है, और डिसिप्लिन नहीं है तो कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो तो वो एक दिन जरूर नीचे गिरेगा जी। मैंने उनका डिसिप्लिन मेंटेन रखा है, बच्चे बहुत अच्छे हैं और पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव हैं। तो
गाइस ये है हमारे देश के भविष्य जो आगे भी नेशनल इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपना नाम रोशन करेंगे। अभी आए हैं देरीनाग में, इनके कोच हैं कुणाल सर जो हैं हमारे साथ। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ही आगे भी बहुत बहुत तरक्की करें और कुणाल सर का चैनल डिफेंस अकेडमी काफ़ी ग्रो करे और ऐसे ही और प्रतिभावान बच्चों को आगे लाएँ। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी।